आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अंतर जनपद स्थानांतरण के बाद स्कूल अलाटमेंट की प्रोसेस के बारे में, किस तरह से आपको स्कूल अलाटमेंट होंगे और किस तरह से वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी धीमी गति से चल रही है तो इसकी स्पीड 1.25 कर देंगे तो आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो मैं इस चैनल पर फाइनेंस से संबंधित बातें ही करता हूँ, लेकिन आप सबकी हेल्प के लिए मैं ट्रांसफर से संबंधित कुछ वीडियो लेकर आया हूँ, आप उसे देख जरूर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जो डिफरेंट स्कीम से संबंधित हैं, NPS से संबंधित हैं, OPS से भी संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण मेरा 19-20 में हुआ था, बस्ती जनपद से अम्बेडकर नगर में। तो ट्रांसफ़र जब होता है उसके बाद आपको यहाँ पर ज़िले पर ज्वाइन करना होता है। आपने ज़िले पर ज्वाइन कर लिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। स्कूल अलॉटमेंट के लिए वरीयता सूची तैयार होती है। अलग अलग जनपदों से जो भी शिक्षक आए होते हैं और उनके पद अनुसार अगर प्राथमिक के सहायक अध्यापक हैं तो उन्हें एक कैटेगरी रखी जाती है और प्राथमिक के प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक, इनको एक कैटेगरी में रखा जाता है और यहाँ पर इनकी वरीयता सूची बनती है उनके प्रथम नियुक्ति तिथि के अनुसार। वो किसी भी जनपद में कितनी बार भी प्रमोट हुए हों, जो उनकी पहली नियुक्ति तिथि होगी वही क्रम तैयार किया जाएगा। मान लेते अगर लोगों की एक बैच वार नियुक्ति होती है तो उसमें कई शिक्षकों की नियुक्ति तिथि समान होती है, तो उस स्थिति में जिसकी भी जन्म तिथि ज़्यादा होगी उसे वरीयता सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगर जन्मतिथि भी समान हो जाती है तो अल्फाबेट के क्रम में ऊपर रखा जाता है। वैसा ऐसा केस बहुत कम होता है जन्मतिथि समान होने का। तो इस तरह से वरीयता सूची तैयार कर ली जाती है। अब बात करेंगे कि स्कूल अलॉटमेंट कैसा होता है। कोई जुगाड़ चलेगा क्या, किसी पर्चे, कहीं पैसा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। NIC नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, NIC का जो पोर्टल होता है उसी के माध्यम से स्कूल अलॉट होते हैं। यहाँ पर मेरे समय में 30 सितंबर 2020 की जो छात्र संख्या थी उसके हिसाब से जो भी विद्यालय खाली थे उनका एक लिस्ट तैयार कर ली गई थी और वो दीवार पर चस्पा कर दी गई थी, जहाँ पर हम लोग की काउंसलिंग होनी थी, स्कूल अलॉट होना था। लिस्ट के अनुसार सभी शिक्षकों को क्रम से जाना था, पूरे उस हॉल में बैठाया गया था और वहाँ पर अपने क्रम के अनुसार आप जाएंगे। स्कूल जो बचे हुए हैं, क्योंकि आपसे पहले वरीयता क्रम में जिस शिक्षक ने स्कूल का चुनाव कर लिया वो लॉक हो चुका है, उसके अतिरिक्त जो भी रिक्त स्कूल रहेंगे आप उसमें से कोई भी चुन सकते हैं। और वहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा क्या इसे लॉक कर दिया जाए तो आपने कहा यस, तो वो लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद आपको तुरंत आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। ये तो प्रोसेस हो गई अलॉटमेंट लेटर तक। इसके बाद जब रिलीविंग आपको होगी आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, वहाँ से आप जाएंगे अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में और वहाँ से आप विद्यालय में जाकर कार्यभार ग्रहण करेंगे। मेरी तरफ से आपके लिए विशेष सुझाव क्या रहेगा कि आप जब स्कूल, क्योंकि आपको स्कूल लेने हैं तो आप स्कूल का भ्रमण करेंगे, पता करेंगे कौन सा विद्यालय अच्छा रहेगा, आपके लिए नियरेस्ट कौन सा रहेगा, स्टाफ कैसे हैं, कहाँ पर जाकर जॉब करना आसान रहेगा। तो वैसे सारे स्टाफ शिक्षक सारे अच्छे होते हैं, फिर भी आप अपने स्तर से देखेंगे। साथ में अच्छे स्कूलों की सूची जो बनाइए जो आपको लगता है कि ये मेरे फेवरेट हैं, और कुछ ऐसे स्कूलों की भी सूची जरूर बनाइए कि गिरते पड़ते अगर ये मिल जाए, हो सकता है कि वो स्कूल कोई और ना चुने बहुत से रीज़न से, लेकिन आपके लिए बेटर है, हो सकता है आपके लिए नज़दीक हो, आपका कोई परिचित का स्टाफ पहले से हो, हो सकता है कि वहाँ पर जितनी स्टाफ की संख्या है वो आपके लिए सही है, आप चाहते हैं बहुत, तो उस हिसाब से अपनी सूची तैयार कर लीजिएगा। बहुत बार होता है कि हम सारे अच्छे स्कूलों की सूची तैयार कर लेते हैं और जब स्कूल अलाट होने जाते हैं तो पता चलता है वो सारे स्कूल तो हमारे ऊपर जो हमारे सीनियर थे उन लोगों ने पहले ही लॉक कर दिए हैं। तो इस तरह से आप अपना कीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मैं इस चैनल पर ऐसे ही यूजफुल कंटेंट लाता रहता हूँ।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो पे कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे यूजफुल कंटेंट लाता रहूं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन नॉलेज अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।